करते हैं आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में और एक बार फिर हम आप सभी के साथ रूबरू होंगे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार फाइनली ऐलान कर दिया है कि 18 प्लस वाले वैक्सीन ले सकते हैं। और इस लेने का तरीका क्या होगा, क्या डायरेक्ट आप स्वास्थ्य उपकेंद्र पे या फिर अस्पताल में जाकर ले पाएंगे, या इसके लिए कुछ प्रोसेस अपनाना होगा, या इसके लिए फ़ी लग रहा है या फिर कोई फ़ी नहीं लगेगा, पूरी विस्तार में बताने वाले हैं, एक एक चीज़ बताने वाले हैं। उसके बाद बताने वाले हैं कि आप वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, हर एक स्टेप जिस पे जो आप लोगों को जानने योग्य होगा, हेल्पफुल योग्य होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप आप सभी को बताने वाले हैं। 9 मई, जी हाँ दोस्तों, 18 प्लस एज के सभी लोगों को वैक्सीन लगने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ये कैसे होगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप सभी देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर अपने ग्रुपों में दोस्तों के साथ शेयर करें कि जितने भी 18 प्लस एज के लोग हैं सभी रजिस्ट्रेशन करवा सके और अपना वैक्सीन ले सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। बिहार को कोविशील्ड का 3.5 लाख डोज ही मिला है, जबकि बिहार से इसका डिमांड किया गया था 15.92। जी हाँ दोस्तों, 15.92 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया था, जबकि बिहार को इतना ही मिला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने की अनुमति दी थी, लेकिन बिहार को वैक्सीन का डोज ना मिलने के कारण इसमें डिले हो गया है। चलिए आपको बता दें कि ये कहां से आपको इसका डोज ले सकते हैं। टीकाकरण जो होगा आपके निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे होगा। जी हाँ दोस्तों, रविवार से 18 प्लस के वैक्सीनेशन का ऐलान होते ही अब राज्य की 61% आबादी टीकाकरण के दायरे में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, राज्य यानी बिहार में 61% आबादी जो है 18 प्लस और 45 के अंदर में है। चलिए अब बताते हैं कि इसको कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप देशभक्त हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर बैठे करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले आपको डाटा ऑन करके गूगल ब्राउजर खोलना पड़ेगा, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन .cowin.gov.in पे आपको सर्च करना होगा। मैंने देखिए जैसे ही ऊपर टाइप किया, ये नीचे हमें रिकमेंड कर दिया है, उस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा और सबसे ऊपर वाला जो लिंक प्रोवाइड है कोविन के नाम से, आपको उस पर टच करना पड़ेगा। चलिए टच करके बताते हैं और आगे का जो प्रोसेस है, एक एक प्रोसेस अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर कर बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबके हित में है, सबके लिए हेल्पफुल है। देखिए सबसे ऊपर ही है रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन योर सेल्फ, तो आपको इसी पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद अपना एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। जैसे ही अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, उसके बाद गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नया पेज ओपन हो चुका है और ऊपर में लिखा है रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन, वी विल सेंड यू ए 1-time पासवर्ड ऑन योर फोन नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अपना फोन नंबर टाइप करके बताते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस है। मैंने अपना फोन नंबर टाइप कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे मैंने क्लिक कर दिया है और अब जो है मेरे फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा और ये मुझे वेरीफाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ओटीपी आता है उसको हमें क्या करना होगा, इसमें टाइप करना होगा इंटर ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आएगा मुझे इस पे इंटर करना होगा और इंटर करने के बाद जो है वेरीफाई और प्रोसीड पे
क्लिक करना होगा। तो चलिए वेट करते हैं ओटीपी आने का। तो आप सभी हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा ओटीपी आ गया है और इसे अब जो है वेरीफाइड करने की ज़रूरत है। जैसे ही वेरीफाइड करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाइड करेंगे हमारा नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर इंतज़ार करना है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए फाइनली क्या लिख रहा है कि वेलकम, यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर्स विथ 1 मोबाइल नंबर। यानी कि ये सुविधा मिल रहा है कि आप एक नंबर से 4 लोगों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो चलिए रजिस्टर्ड मेंबर का डिटेल्स डालना होगा यहाँ पे। अब अगला जो स्टेप है वो कर आप सभी को बतलाते हैं, लेकिन आप अपने देशभक्त और जज्बे को शो करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने भाभी भाइयों के साथ और चाचा चाची के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अगला स्टेप करके दिखाते हैं। अब रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर मेंबर पे मैंने क्लिक कर दिया है। आईडी प्रूफ को चूज करना होगा, तो यहाँ से आप जो है वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड कोई भी जो है चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्योंकि देखिए वोटर आईडी कार्ड सभी के पास नहीं उपलब्ध हो सकता है, तो इसलिए यहाँ आधार कार्ड का भी ऑप्शन है। आप आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। याद रहे कि आधार कार्ड का डिटेल्स ही फिल करना है, ये चीज़ आप कंफर्म कर ले। तो चलिए आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है इसका नंबर डालकर अब फिर आपसे जो है हम मिलते हैं। देखिए इसके बाद क्या है कि आधार नंबर इसमें डालना है और नेम एज इन आधार कार्ड, आधार कार्ड पर जो नंबर है वो डालना है। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर्स है तो अदर। उसके बाद आपको डेट ऑफ ईयर, ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं ईयर सिलेक्ट इसमें पुट करना होगा, इसमें आपका जो भी ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। चलिए करते हैं और इसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए फिर मिलते हैं आपसे। देखिए मैंने अपना पूरा डिटेल्स जो है फिल कर दिया है और आप लोग देख पा रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट जो स्टेप है मुझे वो करना होगा और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वैसे एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ से मेरा जो है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, जो कि लिख रहा है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं जो रजिस्टर मोबाइल नंबर मेरा यहाँ है ऊपर में शो कर रहा है, मेरा नाम शो कर रहा है, रेफरेंस आईडी है और सेक्रेट कोड है, ईयर ऑफ बर्थ, उसके बाद फोटो आईडी है और यहाँ पे जो है मेरा आईडी नंबर है, ठीक है। अब जो है मुझे इसमें आप चाहे तो इसी के साथ जो है मेंबर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम 4 जो है जन एक नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो कर भी सकते हैं या आपकी आपके ऊपर है। अब आपको डोज कब का चाहिए यहाँ से आप शेड्यूल तैयार कर लें। शेड्यूल जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कब जाइए डोज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही शेड्यूल पर आप क्लिक करते हैं, शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो जो है नीचे आपको दिखाई दे रहा है पीला कलर का शेड्यूल नाउ, ठीक है। तो यहाँ से आपको विभिन्न शेड्यूल मिल जाएगा और उसके हिसाब से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करके आपको बतलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप जो है आपका इंटर पिन मांग रहा है क्योंकि आपके एरिया में वैक्सीनेशन कहाँ होने वाला है ये आपको जानकारी दे देगा, ठीक है, क्योंकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। तो इंटर योर पिन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इंटर योर पिन पे क्लिक करके चलिए मिलते हैं आपसे। देखिए यहाँ से क्या है एक नया पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे जो है कि अपना पिन को डाल दिए हैं। पिन को डालने के बाद जो है वेरीफाई हुआ है और वेरीफाई होने के बाद इतना सारा ऑप्शन दे रहा था, इसमें से आपको चूज करना है आप 18 प्लस है या 45 प्लस है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कौन सा डोज चाहिए, कोविशील्ड चाहिए या कोवैक्सीन चाहिए। उसके बाद आपको पेड चाहिए या फ्री चाहिए, आपको इस दोनों में से चूज करना है, यानी तीनों ऑप्शन में से एक एक चूज करना है। मैंने चूज कर दिया 18 प्लस, कोविशील्ड और फ्री। इसके बाद आपको डेट चूज करना है, तो डेट जो है मैं नेक्स्ट रविवार का डालता हूँ, तो नेक्स्ट रविवार हो जाएंगे 16 मई। 16 मई को मैं क्लिक कर दूंगा और देखता हूँ कि क्या कुछ आता है आगे। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। देखिए फिलहाल जो है हमारे लोकल में कहीं भी 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है,
इसकी वजह से यहाँ पे नीचे लिख रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर इज अवेलेबल फॉर बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही ये जो है अवेलेबल होता है, नेक्स्ट वीडियो बनाकर फिर बताएंगे इसके आगे के प्रोसेस को। अगर आप 45 प्लस के हैं तो आपके लिए जो है अभी भी यहाँ पे मिल रहा है सुविधा। देखिए हमारे जो है हमारे लोकल में है यहाँ पे 45 वालों के लिए अभी भी जो है वैक्सीनेशन होने का काम चल रहा है। सिविल कोर्ट है यहाँ पे और उसके बाद जो है सदर हॉस्पिटल 2 में, यानी कि 45 प्लस वाले का अभी भी जो है ये चल रहा है। और ये जो डेट का था ये देखते हैं 16, अब जो है फ्लैक्सीबल डेट भी अब रख सकते हैं इस हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपको बता देगा कि कौन सा डेट जो है बुक है या फिर फ्री है, ठीक है। या आप यहाँ से जो है बाई डिस्ट्रिक्ट भी जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाई डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट स्टेट करना होगा, ठीक है। बिहार मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लोग देखिए, मैंने जो है मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद मुझे शेयर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है 45 प्लस वालों का जो है अभी वैक्सीनेशन होने का काम चल रहा है, ठीक है। अभी 18 प्लस वालों का अभी नहीं हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा जो है 18 प्लस वाले को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करने का जो है आपको मैंने बताया है ऑप्शन, वो सही है, उस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर अभी अवेलेबल ना होने के कारण आपको ये दिखा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके आगे का प्रोसेस जैसे ही अवेलेबल होता है, क्योंकि अभी जो है शुरुआत है, आज फर्स्ट डे है, इसके लेकर बहुत ही ज़्यादा स्कार्सिटी होगा। और सीधी सी बात है, सब चाहते हैं कि अपने आप से सही रहे, सेफ रहे और ये संक्रमण से बचे रहें, दूर रहें। तो फिलहाल अभी स्कार्सिटी चल रहा है इस चीज़ के लिए, और जैसे ही जैसे बुकिंग अवेलेबल होगा तो आगे का वीडियो जो है आप सभी के लिए लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और 1 नंबर से 4 लोग का कर सकते हैं। तो सभी देशभक्तों से कहेंगे कि घर बैठे लोगों की सहायता इस माध्यम से करें, कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।